Good morning students, class 2, English 2, chapter 8, में हम पढ़ेंगे pronoun. What is pronoun? Pronoun means सर्वनाम. हम English में देखेंगे, pronoun is a word which used in place of noun. फिर से हम repeat करेंगे, pronoun is a word which used in place of noun. फिर हम हिंदी में उसे हम देखेंगे, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग नाम शब्द के स्थान पर किया जाता है. बच्चों को ध्यान से बोर्ड में देखेंगे कि प्रमुख सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं. यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखेंगे. आई मीन्स मैं या मैंने, वी मीन्स हम या हमने, यू मीन्स तुम, आप तुमने या आपने, ही का प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं, ही मीन्स वह या उसने, शी हम स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं, शी मीन्स वह या उसने, दे मीन्स वे, दे शब्द अनेक स्त्री पुरुष और वस्तुओं के लिए किया जाता है, दे मीन्स वे या उन्होंने. फिर इट का व्यवहार हम बेजा वस्तुओं के लिए करते हैं, निज वस्तुओं के लिए क्यों करते हैं? इट मीन्स या. बच्चों प्रोनाउन के तीन पर्सन होते हैं, तो वे तीन पर्सन कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम के तीन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन बात को कहने वाला, सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला, फिर थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जाती है. तो हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं. बच्चे आप ध्यान से बोर्ड में देखिए, फर्स्ट पर्सन बात को कहने वाला, यहाँ पर दिया गया है शब्द आई. आई मीन्स मैं या मैंने. जब हम वाक्य बनाते हैं आई से, तो हम बनाते हैं आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ. फिर वी मीन्स हम या हमने, वी आर स्टूडेंट्स, हम छात्र हैं. सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला, यू मीन्स तुम या तुमने, आप या आपने. जब हम सेंटेंस बनाते हैं, यू आर ए प्लेयर मीन्स तुम एक खिलाड़ी हो. थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जाती है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत शब्द दिए गए हैं ही हम पुरुष के लिए व्यवहार करते हैं. ही मीन्स वह या उसने, ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है. शी का प्रयोग हम स्त्री के लिए करते हैं, ही मीन्स शी मीन्स वह या उसने, शी इज ए डांसर, वह एक डांसर है. दे मीन्स वे, उन्होंने. जब एक से अधिक व्यक्ति रखते हैं तो हम दे का प्रयोग करते हैं. दे आर ब्रदर्स, वे भाई हैं. इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं. इट मीन्स या इससे. इट इज ए टेबल, या एक टेबल है. इट इज ए चौक, या एक चौक है. इट इज ए स्केल, या एक स्केल है. बच्चों हम देखेंगे बोर्ड में ध्यान से, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट होते हैं. सेंटेंस में हम देखेंगे बच्चों, जब भी हम अंग्रेज में बात करते हैं किसी से, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला, बात बोलने वाला को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन. तो इंग्लिश में हम बोलते हैं फर्स्ट, यहाँ पर शब्द दे गए हैं आई. तो इस सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता. तो एक सब्जेक्ट के अंतर्गत, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं हम देखेंगे. हमारे बोर्ड में आई मीन्स मैं या मैंने. तो
हम जब बात करते हैं आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, तो फर्स्ट शब्द क्या है आई, तो यह क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया अर्थात कर्ता। उसी तरह सेंटेंस में हम जब बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट होता है मी। ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या शब्द है यहाँ पर मी, मीन्स मुझे या मुझको। ऑब्जेक्ट मीन्स कर, तो हम किसी से मांगते हैं कुछ, प्लीज गिव मी पेंसिल, प्लीज गिव मी वाटर, तो इनमें शब्द है मुझे, मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे एक पेंसिल दो, तो हम दूसरों से बातें करते हैं। तो यहाँ पर मी मीन्स मुझे या ऑब्जेक्ट हो गया मी। फिर यहाँ पर देखेंगे आप लोग पोसेसिव, इसी के नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे यहाँ पर क्या है पोसेसिव। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं पोसेसिव। पोसेसिव मीन्स जैसे हम अपना लेते हैं, अपना वस्तु हम समझते हैं, जैसे मेरे पास बैग है, दिस इज माई बैग, दिस इज माई पेन बोलते हैं, या मेरा पेन है, तब जानते हैं कि यह मेरा अपना पेन है, तो यह क्या हो गया पोसेसिव। हम यहाँ पर देखें कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं जो बात करता है, बात बोलने वाला, तो बात बोलने वाला के अंतर्गत ही पोसेसिव आता है। यह मेरा पेन है, यह मेरा बैग है, हम अपने आप में हम वस्तु को हम सेलेक्ट करके बोलते हैं और हम जानते हैं कि यह वस्तु मेरा है। और आप लोग एक दूसरे से बातें करते हैं अपने दोस्त से कि यह मेरा पेंसिल है, यह मेरा किताब है, यह मेरा स्केल है, तरह तरह का हम वस्तु को हम अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया मैं मीन्स मेरा, यह मेरा पेंसिल है, यह मेरा पेन है, तो इस तरह का बातें हम करते हैं। तो ये मैं शब्द अर्थात मेरा यह क्या है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है पोसेसिव। फिर यहाँ पर है मैन, इट्स मैन मीन्स मेरा ही है, हम जानते हैं कि यह मेरा बैग या पेंसिल या इरेजर या रबर कुछ भी सामान या मेरा ही है, हम जानते हैं, तो यह पोसेसिव मेरा ही है हम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों वी, वी मीन्स हम या हमने, हम छात्र हैं, हम बोलते हैं अपने आप में कि हम स्टूडेंट हैं, वी आर स्टूडेंट, हम क्या है छात्र हैं। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं जो बात करता है, वी मीन्स हम या हमने, अस यू एस अस, अस मीन्स हमें या हमको, हमको दे दो या हमें, हमें चाहिए, हमें चाहिए, ये शब्द हम यूज करते हैं। अस गिव अस, गिव अस ए पेंसिल, या इंग्लिश में अस का व्यवहार करते हैं, उसका मतलब है हमें या हमको। फिर यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पर्सन में उसी के अंतर्गत यहाँ पर पोसेसिव है, तो आवर, इट इज आवर स्कूल, या हमारा, आवर मीन्स हमारा, हम बातें करते हैं दूसरों से, इट इज आवर स्कूल, तो क्या हो गया हमारा, आवर मीन्स हमारा, तो एक पोसेसिव फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, आवर्स हमारा ही है, इट्स आवर्स, इट्स दिस हाउस इज आवर्स, मतलब या मेरा ही घर है, हम बोलते हैं, हम बात करते हैं दूसरों से अपने दोस्त से, या मेरा ही घर है, या मेरा ही स्कूल है। तो ये शब्द क्या हो गया फर्स्ट पर्सन अर्थात बात करने वाले के फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। फिर हम देखेंगे सेकंड पर्सन अर्थात बात को
के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं हम देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। हम यू, हम दस लोग के बारे में बात करते हैं, यू तुम या तुमने, यू आर ए गुड गर्ल, जो बात को सुनता है तो उसको हम बोलते हैं यू, या आप या आपने। फिर यहाँ पर एक कर्ता हो गया सब्जेक्ट, जो करता है, सब्जेक्ट मीन्स करता, तो यू यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यू आर ए गुड गर्ल, यू आर ए बॉय, यू आर ए स्टूडेंट। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर को करने वाला, योर इज योर, हम जानते हैं कि उसका पेंसिल है, इट्स योर्स, आपको, तुमको, तुम्हें, इस तरह का शब्द हम व्यवहार करते हैं। ए हो गया सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अर्थात बात को सुनने वाला, इसके अंतर्गत आते हैं। फिर पोसेसिव के अंतर्गत आते हैं योर, तुम्हारा, आपका, दिस इज योर, या तुम्हारा पेंसिल है, या आपका पेंसिल है, इस तरह का हम बातें करते हैं। तो सेकंड पर्सन अर्थात बात को सुनने वाला, सेकंड पर्सन के अंतर्गत इन सभी वाक्यों का या शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स जिसके बारे में बात कही जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ही, तो ही पुरुष जाति के लिए यह शब्द व्यवहार किया जाता है। ही इज ए बॉय, ही इज ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर इत्यादि। तो ही मीन्स वह या उसने। तो यह ही शब्द फर्स्ट शब्द क्या है, सब्जेक्ट है अर्थात कर्ता, और ही के स्थान पर ही हम हिम का व्यवहार करते हैं। जब हम बातें करते हैं तो सब समय हम ही व्यवहार नहीं करते हैं और हम हिम का व्यवहार करते हैं, मीन्स उसको, प्लीज गिव हिम ए पेंसिल, उसको पेंसिल दे दो, उसको पानी दे दो, इस तरह का हम बातें करते हैं। तो यह हिम शब्द क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। फिर यहाँ पर हिम के स्थान पर हिस का भी व्यवहार होता है, पोसेसिव, ये पोसेसिव के अंतर्गत हो जाता है। दिस पेंसिल इज हिस, दिस इज हिस पेंसिल, यह उसका पेंसिल है बोलते हैं। तो यह पोसेसिव के अंतर्गत आते हैं थर्ड पर्सन में। फिर हम यहाँ पर देखेंगे शी, शी स्त्री जाति के लिए व्यवहार किया जाता है। शी इज ए गर्ल, शी इज ए स्टूडेंट, वह एक लड़की है। तो शी मीन्स वह या उसने। फिर शी के स्थान में हम हर का व्यवहार करते हैं, हर मीन्स उसको। फिर यहाँ पर पोसेसिव के अंतर्गत हर मीन्स उसका। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं दे, दे हम कब व्यवहार करते हैं, जब एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो हम दे का व्यवहार करते हैं। दे मीन्स वे या उन्होंने। दे आर स्टूडेंट्स, दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं, वे छात्र हैं, इस तरह का हम दूसरों के बारे में बातें करते हैं। फिर दे के जगह पर ही जब ऑब्जेक्ट आता है तो हम या देम का व्यवहार करते हैं। तो देम मीन्स उनको, तो यहाँ पर देम हो गया ऑब्जेक्ट अर्थात कर। फिर पोसेसिव के अंतर्गत आते हैं देर मीन्स उनका, देश मीन्स उनका ही। नेक्स्ट इट, इट का व्यवहार हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। इट मीन्स यह एक पेंसिल है, यह एक चेयर है, इट इज ए चेयर, इट मीन्स यह इसने। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर इट, इट मीन्स इसको, इट्स मीन्स इसका। बच्चों अभी मैं
जितने भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में आप लोगों को पढ़ाई हूँ, आप उन्हें याद कीजिएगा। थैंक यू।